बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात की, नाइन पीजम के ऊपर, वीकली अपडेट के ऊपर हम ये सीरियल वाइज वीडियो साथ में आपको देते रहेंगे। आज हम बात करेंगे फेज़ 8, फेज 6, फेज 7, इनकी 6, 7, 8 के ऊपर हम बात करेंगे सीरियल वाइज 8, 6 और 7, क्योंकि मेरे मैप के हिसाब से आ रहा है। तो मैंने इस तरह आपको बताया कि अब क्या सूरत हाल यहाँ पे चल रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूज़र के तौर पे। यहाँ पे अब जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 25% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 75% एंड यूज़र है। यहाँ पर आपके फेज 6 में बिल्डर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, घर बना के बेच सकता है, तब उसको फ़ायदा है, प्लॉट्स में कोई फ़ायदा नहीं रह गया। फेज़ 8 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिल्डर को ही फ़ायदा हो सकता है या एंड यूज़र को फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब नहीं बनती। अगर हम बात करें फेज़ 7 की, तो फेज़ 7 के अंदर 20% या 25% अभी तक क्वेश्चन है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट रेशो आपको बढ़ाना होगी। अगर हम बात करते हैं कि आप कम बजट में, तो हमेशा से मैं फेज़ 10 रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ पर आप 5 साल के लिए होल्ड कर लें, तो आपको 1 करोड़ 20-22 लाख की जो आज फाइल एफिडेविट रेट है 1 करोड़ 21 लाख का, तो वही आपको 4 साल बाद 4 करोड़ का प्लाट होगा। लेकिन आज अगर आप 3.5 करोड़ का प्लाट परचेज करते हैं और 5 साल बाद अगर हम फेज 7 में देखेंगे तो फेज 7 का प्लाट मैक्सिमम 5.5 करोड़ का चला जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 1.5 करोड़ है, वहाँ पर प्रॉफिट आपका 2.5 करोड़ से 3 करोड़ है। तो हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फेज 10 के अंदर जाएं अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए फेज 7 और फेज 9 प्रिज्म आइडियल है। आइडियल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऑन ग्राउंड 7 के अंदर आप घर बना सकते हैं, तो आपके सामने प्लाट है, पोजेशन है। 9 प्रिज्म में आप नॉन पोजेशन प्लाट परचेज करें, फ्यूचर उसका भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि आपको सरमाया ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कम सरमाए के अंदर आपको फिर जाना है, तो फेज 10 के अंदर आप जाएँ तो आपको फ़ायदा होगा। कमर्शियल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो कमर्शियल ब्रॉडवे पे इस वक्त बहुत आइडियल है कि आप वहाँ पे कोई भी प्लॉट परचेज करें। 4 मरला की कैपेसिटी है तो बेहतरीन है, अगर 8 मरला की कैपेसिटी है तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी में नहीं आता 8 मरला। अगर हम 7 की बात कर, इसके बाद 7 की बात करते हैं, तो 7 के अंदर भी जो CCs हैं अभी वहाँ पे बहुत कम रेट है। कमर्शियल लाहौर DHA के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम रेशो के रेट है, 4.25 करोड़ से आपको प्लाट मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल बाद यहाँ पे जितनी आबादी की रेशो बढ़ जाएगी तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जब आबादी बढ़ेगी तो कमर्शियल की एक्टिविटी बढ़ती है और वहाँ पर उसकी डिमांड और रेट बढ़ता है। अदरवाइज़ वहाँ पर कोई चीज़ जब तक बना नहीं सकते आप, तो आपको रेंट नहीं आ सकता। रेंट वैल्यू के साथ ही कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होती है। हम फेज 6 की बात करते हैं, 6 के अंदर कमर्शियल ऑलमोस्ट बहुत रेट दे चुका है। अगर हम MB की बात करें तो MB पे बहुत रेट हो चुके हैं, यानी कि 4 मल्ला मेन पहले पोर्शन में अगर 20 करोड़ रुपये का है तो ये बहुत ही रेट है। तो इसी वजह से वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम क्वेश्चन रह गया। मैं सबसे जो आइडियल आपको कमर्शियल के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास जो चकदीरा जो कन्वर्ट किया है C3 कमर्शियल के अंदर, जिनके CCA3 हो सकता है, उसका फ्यूचर में अभी नाम नहीं दिया तो मैं गलत बयानी नहीं कर सकता आपसे। एफिडेविट फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है, जो उसका ट्रेंड है, जो वहाँ पे साइज है, जो उसमें एक ऑप्शन DHA ने दिए कि फ्लोर वाइज वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, तो वो आपको बताऊँ कि आइडियल है आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 12 मरला, 16 मरला और 32 मरला के प्लाट्स हैं, 20 मरला के, तो वो 20 मरला के तो मार्केट में नहीं है। 32 मरला, 16 मरला, 12 मरला, 8 मरला, 6 मरला और 5 मरला है। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है 5 मरला, 6 मरला और 8 मरला, आपको रेट मिलेगा 1.75 करोड़ पर मरला के हिसाब से एफिडेविट आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इससे ऊपर साइज जो होंगे वो पर मरला 2 करोड़ रुपये का होगा। तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर हम फेयरवेज कमर्शियल फेज 6 में जो देखते हैं राया के, उसके कंपेयर इसको करें तो ये उससे भी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें बनेंगी यहाँ पे, ज़्यादा लुक वाइज स्मार्ट बनेगा। और सामने इसके मजे की बात है, जिस तरह वहाँ पे किया है वहाँ सामने इसके DP पोल्स नहीं होंगे, अंडरग्राउंड सारी चीज़ें होंगी और जो कॉरिडोर के अंदर होंगी। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट अगर हम कमर्शियल में देखते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर और नहीं हो सकती।
बाकी फेस सिक्स सी सी वन है, टू है, टू में अभी बन है थोड़ा, लेकिन टू के सामने ई ब्लॉक में कमर्शियल वाफर मकदार में मौजूद है, तो इस वजह से वहाँ पे उसका रेट उतना नहीं बन पाया। अदरवाइज वहाँ पे भी लोकेशन उसकी बुरी नहीं है, अंडरपास निकलने से काफ़ी उसको जो है रास्ता मिल गया। अब हम रेजिडेंशियल पॉकेट की बात करते हैं, तो रेजिडेंशियल पॉकेट हम अगर सिक्स से बात करते हैं, सिक्स में आलमोस्ट जो रेट हैं वो बहुत हो चुके हैं, यानी कि हमें 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक वहाँ पे रेट चला गया, माजरत 6 करोड़ तक रेट चला गया। अगर हम बात करें 7 की, तो 7 के अंदर 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ का अभी भी आपको जेड टू के अंदर, मेरे दोस्त से कह भी रहे थे जेड टू के अंदर डिटेल आपने ब्रीफिंग देनी, तो जेड टू के अंदर आप वहाँ पे जा सकते हैं। जेड टू में 2.10 करोड़ से लेके 2.50 करोड़ तक प्लाट आपको मिलता है, और इसकी जो लोकेशन जितनी और चीज़ तो इसके अंदर है नहीं, बस वो 2 स्ट्रीट्स हैं राइट लेफ्ट आपने देखना है, तो उन्हीं के अंदर ये सारा समा जाता है। तो कम बजट में आप 7 में जाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन होगा। बाकी हम अगर ओवरऑल फेज 7 की बात करते हैं, तो फेज 7 में आपको यानी कि 2.25 करोड़ से लेकर या 2.10 करोड़ से लेकर 4.50 करोड़ तक 7 में रेट है, जिसमें आर ब्लॉक आ जाएगा। आर ब्लॉक क्योंकि सिक्स के अंदर है, साथ है, तो उसके रेट इस वजह से ज़्यादा है, 4.25 में वहाँ पे प्लाट आपको मिल जाएगा। एस में अच्छे रेट है, एस में भी, एस में क्यू में पी में टी में यू में वी में और डब्ल्यू ब्लॉक है, टी ब्लॉक एक्स ब्लॉक है, वाई ब्लॉक है, जेड वन है, तो इनमें आपको प्लाट मिल सकता है 3.5 करोड़ में, 4.25 में, 3.25 में, 3.25 करोड़ में, एवरेज फेज 7 के अंदर। फेज 7 के अंदर अगर आप अभी घर बनाना चाहते हैं, फ्रेश अभी जल्दी बनाना चाहते हैं, उसी टाइम बनाना चाहते हैं, तो फेज 7 आपके लिए बेहतरीन है, फ्यूचर फेज 7 का बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जब आबादी बन जाएगी, कमर्शियल एक्टिव हो जाएंगे, तो फेज 6 और 7 में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं समझता हूँ इस पॉकेट के अंदर अगर आपका घर है तो बेहतरीन है कि आपको पूरी अम्यूनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पर, गोल्फ कोर्स है, कमर्शल्स हैं, कम्यूनिटी सेंटर्स हैं, और इसके अलावा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो है, इसके अलावा काफ़ी सिनेमा है, मीन्स के एक्टिविटी के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। अब अगर बात करते हैं फेज़ 8 की, हम रेजिडेंशियल पॉकेट की, तो फेज़ 8 प्रॉपर के अंदर एस ब्लॉक लो लोकेशन है, मीन्स के थोड़ा रेट कम है, एक्स ब्लॉक के अंदर रेट कम है, यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.75 करोड़ का प्लाट्स एस ब्लॉक में, एक्स में आपको 3.5-4.25 करोड़ का मिलता है, डब्ल्यू ब्लॉक या वी टी के अंदर आपको यानी कि 3.5 से मिलना शुरू हो जाएगा और 5 करोड़ तक रेट है। यू और वी की बात करें, वी में और यू में हाई टेंशन वायर है, वायर के नीचे सराउंडिंग में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 3.25 का प्लाट मिल सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पे भी आपको 4.25-4.4 करोड़ का प्लाट मिलता है। इनके आज हमने डिस्कस किया, शॉर्टली वीडियो में बनाए, कमर्शियल एक्टिविटी फेज 7 की, 6 की, 8 की, इसी तरह रेजिडेंशियल पॉकेट की एक्टिविटी आपको दिखाई कि आया यहाँ पे आप अगर हम इन्वेस्टमेंट के चांसेस मैंने आपको बताया 25% है, यहाँ पे एंड यूज़र के लिए माहौल है, यहाँ पे आप घर बना के रह सकते हैं, सहूलतें सारी मौजूद हैं, बिजली गैस पानी हर चीज़ मौजूद है, रोड नेटवर्क अंडरपास बन रहे हैं, ये बेहतरीन पोर्शन बन जाएगा रेजिडेंशियल पॉकेट अगर आप अभी चाहते हैं कि घर बनाएं। फ्यूचर में तो फिर 9 पिज्जा में, फेज 10 है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आईवी ग्रीन आता है जो फेज़ 8 का हिस्सा है, वो एक अलहदा पोर्शन है, 4-5 ब्लॉक है उसके रेजिडेंशियल पॉकेट में, तो वहाँ पे 5 मरला को 75 लाख से 85 की ब्रैकेट का है, 10 मरला कोई 1.30-1.40 करोड़ से लेकर 1.70 करोड़ का है, कनाल जो है वहाँ पे लिमिटेड प्लाट है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट का है, 2 कनाल वहाँ पे थोड़े से प्लाट है, अगर वो भी होते हैं तो 3-3.5 करोड़ का वहाँ पर रेट है। ऑलमोस्ट हमने कोशिश की कि आपको तीनों फेजेज की जो ओवरव्यू दें कि आप इसमें क्या एक्टिविटी है, बाकी एयर एवेन्यू है या पार्क व्यू उसका एक अलहदा से स्टेटस है, तो नंबर मेरा साथ में दिया होता 03-22-88-88-429, तो आप मेरे से कोऑर्डिनेशन करें, कोई भी क्यूरीज होती सेल परचेज के हवाले से सियाल स्टेट को आप याद रखें, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।